और आज भी आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत के लोग बड़ी दमदारी के साथ आज भी मुंबई में रहते हैं, बड़ी दमदारी के साथ। लेकिन इसकी दमदार प्रकृति को इसकी हैसियत नहीं है कि मर के लिए ये देखता है तो गरीबों को देखता है। और इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं, देखिए ये मेरा आज का कार्यक्रम नहीं है। जब बातचीत के क्रम में आप लोगों ने ही एक सवाल किया कि क्या राज ठाकरे अगर माफ़ी मांग लें तो क्या 5 तारीख को अयोध्या आप आने देंगे, हमने कहा 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या को बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने आह्वान कर दिया था कि 5 तारीख को 5 लाख की संख्या वहाँ पर रहेगी, और जो अपना कार्यक्रम मैंने बताए हैं तो मैंने कहा था उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया है। तो ये हमारा कार्यक्रम यथावत है, और पहली बार उत्तर भारतीय के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो निश्चित ही संदेश जाएगा कि राज ठाकरे भी ये सोचने के लिए विवश होगा कि मेरे प्रति कितना गुस्सा है, और इससे वो माफ़ी मांग सकता है। देखिए जो उन्होंने मुद्दा उठाया है मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का उठाया है, अब कौन किसको क्या करता है अलग है, लेकिन जो प्रमुख रूप से निकल करके आया मराठी मानुष और उत्तर भारतीय, और उत्तर भारत का और मराठी मानुष का महाराष्ट्र का संबंध बहुत अच्छा है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में उनको इज्जत नहीं मिली और निकलते हैं बेअदबी करके, तो बेअदबी माना औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ़्तार करने के बाद वो फिर फरार होते हैं स्थानीय लोगों के सहयोग से, फिर आते हैं मथुरा अपने बेटे क्या नाम सांभाजी को वहीं छोड़ना पड़ता है, फिर आते हैं काशी
काशी में हमारे साधु संत मदद करके पहुंचाते हैं, तो बहुत गहरा संबंध था और है। एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसने ये बीज बोया, वो भी हल्की राजनीति के लिए। तो ये बांटने की राजनीति कब तक खत्म होगी, आप इसकी पहल करेंगे? ये पहल नहीं है, यही तो पहल है, यही तो पहल है। हम गाली तो दे नहीं रहे हैं। राज ठाकरे से मैंने कोहनूर हीरा तो मांगा नहीं कि जो लंदन से नहीं ला सकते, दो शब्द मांगे थे कि जिनको पीटा है मलहम लगा दो। अगर आप कभी महाराष्ट्र गए और ये बात अगर इस तरीके से जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर वो विरोध करते हैं तब क्या करेंगे? हम चूहा नहीं है, समझे, हम महाराष्ट्र जाते रहे और जाते जाएंगे। 5 तारीख को राज ठाकरे जी रद्द कर दिए, क्या कहेंगे उनके विषय में? अरे तबीयत खराब हो गई है, देखिए उस विषय में क्या कहना, रद्द कर दिया अब और क्या है, शेर है एक घुड़की दिया आपने वो रद्द कर दिया। 5 तारीख के बाद अगर वो आते हैं, हम माफी मांगे तो फिर क्या करेंगे? बिना माफी मांगे? अरे उनके बाप नहीं आने वाले हैं बिना माफी मांगे, यार क्या बात करते हो।